उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के मछली शहर में आज सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली। यह रैली चुंगी चौराहे से लेकर तहसील तक रही। रैली का मुख्य उद्देश्य भाजपा सरकार में महंगाई को लेकर है। बता दें कि डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से आम जनमानस पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है। वहीं खाने पीने के सामानों में भी काफी महंगाई आसमान छू रही है। यह रैली सपा नेता जगदीश सोनकर की अगुवाई में हुआ। साथ ही धरना प्रदर्शन में प्रशासन की पूरी फोर्स साथ डटी रही। शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के समर्थकों ने नारे भी लगाए। मछलीशहर तहसील में आज सपा के वरिष्ठ पदाधिकारी पूर्व जिलाध्यक्ष फिरोज खान ने प्रदर्शन कर बढ़ते हुए पेट्रोल व डीजल के दाम पर मीडिया से बातचीत किए और उप जिलाधिकारी मछलीशहर को ज्ञापन दिए। देखिए अनुज जायसवाल की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार की हालत यह है कि एसपी सिटी को यहाँ के नहीं बल्कि मैंने उत्तर प्रदेश में एक एसपी सिटी को एक बदमाश भारतीय जनता पार्टी का एक नेता एक एसपी सिटी को एक थप्पड़ मारा और अभी तक वो नहीं अरेस्ट हुआ और वो जो है मीडिया के सामने बेबस नजर आ रहा था। वो मीडिया के सामने बेबस नजर आ रहा था कि हालत है उसके खिलाफ ये लड़ाई है उसके खिलाफ ये आज हम धरना प्रदर्शन और ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। इसे हम लोग तब तक खत्म नहीं कर देंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी को कार्ड नहीं देंगे। मतलब ये जो है चल रहा है जो है राम राज की जगह पे ये राम राज में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। रावण राज में औरतों का हरण हुआ है और इसमें भी हरण हो रहा है। रावण राज में ही गरीबों को मारा गया है। रावण राज में ही वे इसी प्रकार की गई है जो आज के आज की जा रही है। ये राम राज तो हो ही नहीं सकता। सर नाम और अब अपना पद अवगत करा दीजिए। जी मेरा नाम फिरोज खान है। मैं पूर्व उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी जौनपुर रहा हूँ। समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जिसके तहत आपसे बात कर रहा हूँ। 24 न्यूज़ टाइम पर।